कुछ अच्छी अच्छी कुकिंग कर रही थी तो मैंने सोचा कि इसी बहाने आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर ली जाए, क्योंकि आप लोग कई समय से जो है व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी मांग रहे हो। सो आपके साथ गप्पे भी हो जाएंगी और डीटेल सेलिब्रेशन तो आप शोएब के ब्लॉग में देखोगे, अब देख चुके हो या नहीं ये मुझे नहीं पता। सो चलिए आप किचन में चलते हैं और गप्पे भी मारते हैं और कुकिंग भी करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग पास्ता बॉईल करेंगे। मैंने यहाँ पे पेने पास्ता लिया है और मैं आज सिर्फ हाफ के जी का एक ही पैकेट बना रही हूँ, वरना यूजुअली मैं बहुत सारा बनाती हूँ, क्योंकि आज सबको नूडल्स खाने का ज्यादा मन है तो मैं थोड़ा सा ही पास्ता बना रही हूँ। सो आप पानी में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के उसको बॉईल होने देंगे, उसके बाद आप पास्ता ऐड करेंगे और फिर उसको कुक होने देंगे लगभग 7-8 मिनट के लिए। सो मैं ये डाल दूंगी। और ये जो रेसिपी है ये मेरी मम्मी की है, जो पीछे इस वक्त बंदर बर्तन की खड़खड़ कर रही है। हाय एवरीबॉडी। सो मम्मी ये व्हाइट सॉस पास्ता हमेशा से बनाती थी और मुझे और मेरी फ्रेंड्स को भी, अनुषा को भी, आप अनुषा को जानते हैं, अनुषा आज भी मम्मी के घर आती है तो बोलती है आंटी मुझे व्हाइट सॉस पास्ता खिलाना। सो अब हम इसे कुक होने देंगे और ये हमारा पास्ता बॉईल हो गया है, इसे हम स्ट्रेन कर देंगे और फिर हम इसे छोड़ देंगे, तब तक हम व्हाइट सॉस प्रिपेयर करेंगे। और यहाँ मैं अपने नूडल्स के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरे डिनर टेबल पे नूडल्स भी होने वाले हैं। एंड ये देखिए एज ऑलवेज शोएब मेरी हेल्प कर रहे हैं। काफी कुछ हो चुका है, मुझे चॉकलेट रोल्स बनाने हैं तो मैंने चॉकलेट केक रेडी कर लिया है। मैंने ब्रेड लोफ पहली बार बनाया और वो सही बनाया, हालांकि मैंने काटा नहीं, उसके बाद पता चलेगा। और मैंने नूडल्स के अपनी वेजीज फ्राई होने रख दी और अब मैं व्हाइट सॉस बना रही हूँ, तो मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगी। सबसे पहले हम इसमें लेंगे थोड़ा सा बटर, लगभग 2 से 2.5 टेबल स्पून, थोड़ा नहीं हुआ, थोड़ा ज्यादा हो गया। और इसी में हम मिक्स करेंगे थोड़ा ऑलिव ऑयल और इसे हम मेल्ट होने देंगे। अच्छी तरह से मेल्ट होते ही अब मैं इसमें डालूंगी मैदा। सो 1 2 1/2 टेबल स्पून मैदा। इस वक्त जो है फ्लेम स्लो कर दीजिएगा। मैं यहाँ 1 टेबल स्पून मैदा और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थिकनेस जो है वो थोड़ी सी कम लग रही है, मतलब मैंने 1 लीटर मिल्क की सॉस के लिए 3.5 टेबल स्पून ऑफ मैदा डाला है। आप अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, बेसिकली आपकी जो सॉस है वो हल्की सी थिक होनी चाहिए। सो अब हम थोड़ी देर इसे मिक्स करेंगे ताकि ये जो है थोड़ा भूनने जैसी महक आ जाए, और उसके बाद हम इसमें मिल्क डालेंगे कंटिन्यूसली स्टर करते हुए धीमी आंच पे, ताकि उसके लंप्स ना बने। अब ये पक चुका है, अब इसको कंटिन्यूसली स्टर करते हुए आप इसमें दूध डाल देंगे। और अभी आपको इसी तरह इसको स्टर करते रहना है, कभी आप ओकेजनली भी स्टर कर सकते हैं, मीडियम फ्लेम पे रख के इसको आपको बॉईल के लिए, एक बॉईल के लिए लेके आना है, और उसके बाद मैं बताऊंगी मैं क्या क्या ऐड करना है इसमें। सो ये मेरी जो सॉस है देखिए एकदम अमेजिंग सी बिना किसी लंप्स के रेडी हो गई है। अब मैं इसमें अपने स्पाइसेस डालूंगी, फिर हम इसमें ग्रेटेड चीज डालेंगे। और मैं बहुत सारा काम कर चुकी हूँ, मेरे नूडल्स रेडी है, मेरा चिकन रेडी हो रहा है, सो इसलिए अभी लास्ट में मैं मिक्स कर रही हूँ। मैं सबसे पहले इसमें डालूंगी पेपर 1 टीस्पून, फिर मैं इसमें डालूंगी चिली सॉस रेड वाली, फिर मैं डालूंगी ग्रीन चिली सॉस,
एंड जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, मुझे ये वाले सूप क्यूब्स बहुत पसंद है, मैजिक क्यूब्स वेजिटेरियन, तो ये मैं इसमें दो डालूंगी। इसलिए मैंने अभी सॉल्ट नहीं डाला है क्योंकि ये जो क्यूब्स हैं ये काफी सॉल्टी होते हैं, तो पहले प्लस हम सॉसेस भी डाल रहे हैं, तो पहले ये सब मिक्स कर लें, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें सॉल्ट ऐड करना है अलग से या नहीं करना है। सो अब ये मेरे पास छोटा वाला चीज का ब्रिक है, ये मैं ऑलमोस्ट हाफ इसमें डालूंगी। हम अच्छी तरह से इसमें पूरा मिक्स कर देंगे। मुझे थोड़ा ज्यादा चीजी फ्लेवर अच्छा लगता है, आपको जैसा पसंद है आप वैसा डाल सकते हैं, सो इसलिए मैं थोड़ा और डालूंगी। अब इसको अच्छी तरह से घुल जाने देंगे, पूरा डिसॉल्व हो जाने दें चीज को, उसके बाद हम लोग इसमें मसाला ऐड कर देंगे। सो ये पूरी तरह से रेडी है। अब कई बार नहीं हमेशा ऐसा होता है कि जब आप पास्ता ऐड कर देते हो उसके बाद अगर आप इसको थोड़ी देर छोड़ दो तो पास्ता पूरा सॉस जो है वो सोक कर लेता है एंड वो बहुत स्टिफ हो जाता है। लेकिन इसलिए मैं हमेशा जब खाने के लिए सब लोग रेडी होते हैं ना तब ही मिक्स करती हूँ, लेकिन मैं आज आपको दिखा रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा फाइनल दिखा दूँ। तो अगर कभी आपके साथ भी ऐसा हो कि सर्व करने से जस्ट पहले आपको पास्ता एकदम पूरा सोक्ड दिखाई दे रहा हो तो उसमें ऊपर से मिल्क ऐड करें, उसको अच्छे से वार्म करें, स्टर करें और फिर सर्व करें। सो अब मैं सारा पास्ता जो है वो इसमें डाल दूंगी। एंड इसे अच्छे से हम इसमें स्टर कर देंगे। से मिक्स कर दिया है और इस वक्त अगर आप खाना चाहें तो ये बिल्कुल रेडी है, लेकिन मुझे सर्व करने के लिए थोड़ा सा वक्त है तो अभी मैं इसको रख दूंगी और सर्व करने से पहले थोड़ा और मिल्क ऐड करके, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके फिर से यम यम मैं इसे सर्व करूंगी। आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट बॉल्स जो कि केक के छोटी छोटी पेस्ट्री टाइप्स बनेंगे, बहुत ही यम्मी लगेंगे। सो ये मैंने दो चॉकलेट केक रेडी कर लिए। सबसे पहले मैं इनको इस बोल में क्रम्बल कर लूंगी, इनको मैं पूरी तरह से ठंडा कर चुकी हूँ अच्छे से, ये देखिए। इस चॉकलेट केक की रेसिपी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। सो इसे अच्छे से हम क्रम्बल कर लेंगे, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़े से चॉकलेट चिप्स ताकि जब इसकी बाइट ले तो मुंह में चॉकलेट चिप्स भी आए। हाय, ये टोटली आपकी चॉइस है कि आपको कितने चॉकलेट चिप्स चाहिए। मुझे काफी सारे चाहिए तो ताकि अगर मैं रफली इसका बॉल बना के देखूं भी, सो आई वॉन्ट कि अच्छे भर भर के चॉकलेट चिप्स आने चाहिए। आप इसकी जगह इसमें नट्स भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, यू नो, टोस्टेड आलमंड्स, वॉलनट्स या फिर पीकन्स भी हमेशा चॉकलेट में बहुत अच्छे लगते हैं। सो यू कैन यूज इट अकॉर्डिंग टू योर विश। ये मेरे पास पूरा प्रॉपरली मेल्टेड बटर है, मैंने इसे बहुत समय से बाहर रखा था। ये 200 ग्राम्स की मेरे पास ब्रिक है तो इसका मैं हाफ इसमें डाल दूंगी। और ये भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद ये देखिए, ये मैंने दूध में पिसी हुई चीनी मिक्स करके रखी है तो वो थोड़ी थोड़ी, जस्ट सो दैट यू कैन बाइंड दिस टुगेदर, बस आपको उतना ही डालना है। सो ये मैंने बटर अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम ये मिल्क इसमें डालेंगे। सो मैंने इसमें टोटल करीब 10 से 12 टीस्पून यानी कि ये चम्मच जो है दूध डाला है। देखिए ये वाला कप फुल था, अभी हाफ से थोड़ा ऊपर बचा है और ये इतनी कंसिस्टेंसी का हो जाना चाहिए कि जब आप उसको एक साथ पकड़ो तो इस तरह से जो है वो फॉर्म हो जाए। बिल्कुल आपको इसका आटा गूंदने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा स्टिकी या ज्यादा हमको इसमें लिक्विड भी नहीं डालना है बिल्कुल भी, क्योंकि ऊपर से हम इसको फ्रॉस्टिंग से कवर करने ही वाले हैं तो मोल्ड एनी विच वेज आएगा। तो ये देखिए, जैसे हम लोग लड्डू बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपको अपने पसंद के हिसाब से इसे साइज देना है
और फिर पहले मैं ये पूरे बना लूं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको मैं फ्रॉस्टिंग से कैसे कवर करूं। सो हमारे सारे चॉकलेट बॉल्स रेडी हो चुके हैं और ये देखिए मैंने गनेश भी रेडी कर दी है। इसकी रेसिपी भी चॉकलेट केक के साथ अवेलेबल है एंड मैंने चूज किए हैं ये दो स्प्रिंकल्स जो मेरे पास थे, केक स्प्रिंकल्स, मैं ये यूज करूंगी। सो देखिए इसका एक तरीका ये भी है कि आप इसमें एक टूथपिक डाल के फिर इसको इसमें पूरा डिप करके निकाले, पर वो थोड़ा मैसी हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो आई हैव अ वायर रैक, सो इस तरह से मैंने वायर रैक को एक डिश के ऊपर रखी और अब मैं इसके ऊपर जो है गनेश पोर करूंगी। While this is slightly गीला, हम इसके ऊपर स्प्रिंकल्स डाल देंगे ताकि वो उस पर जम जाए। It's ready. जिस दिन ऐसा लगे कि काम जल्दी जल्दी हो जाए ताकि यू नो, क्योंकि और ज्यादा कुछ भी है, अब जैसे मुझे नीचे जाना है शोएब के साथ, क्यों वो आप शोएब के ब्लॉग में देखेंगे, अब उसके लिए घड़ी ऐसे टिक 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 हो रही है, ये मेरा लास्ट काम बचा है, तो मैंने सोचा चलो अच्छे से साफ सुथरा हो गया अभी आराम से यहां बैठ के करूंगी, तो इस पे हाथ लग गया और ये देखो मैंने क्या किया। और मैंने तो करना ही है, आप लोगों के साथ भी होता है क्या ऐसा कि जिस दिन ज्यादा जल्दी हो ना उस दिन तो मतलब काम बढ़ना ही है। So, ये सारे जो मेरे चॉकलेट बॉल्स हैं वो अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए फ्रिज में डाल दूंगी जब तक मैं नीचे जा रही हूँ, और क्यों वो आप शोएब के व्लॉग में देखेंगे। उसके बाद जब टेबल रेडी होगा, सब लोग आएंगे, तब मिलते हैं। अब सब लोग आ चुके हैं तो अब एकदम वो टिक 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 वाला टाइम है, इसलिए हम सबको फिनिशिंग टचेस दे रहे हैं। तो ये मैंने बनाया है शुगर फ्री फ्रूट योगर्ट, इसमें मैं स्ट्रॉबेरीज भी डाल रही हूँ, तो ये मैं लास्ट मिनट पे इस पे डालूंगी और ऊपर से भी हम स्ट्रॉबेरी से डेकोरेट करेंगे। फ्रूट योगर्ट रेडी है और ये शुगर फ्री है, तो ये पापा और खाला भी खा सकते हैं। तो ये मैंने पहली बार ब्रेड लोफ ट्राई किया और वो सही बना है। एक बार लॉकडाउन में मैंने बंस बनाए थे और जो मेरा मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो ऐसे बने थे कि अगर किसी के सर पे लग जाते तो बेचारा बेहोश हो जाता, लेकिन ये मैंने आर्टिसन ब्रेड ट्राई की और बहुत ही अच्छी बनी है, तो अब मैं इसका गार्लिक ब्रेड बना रही हूँ। सो ये थी हमारी न्यू ईयर की डिनर पार्टी एंड सबको खाना बहुत अच्छा लगा। आज मैंने दो नई डिशेस ट्राई की थी, ब्रेड मैंने बनाई थी आर्टिसन ब्रेड, बहुत अच्छी बनी, और मैंने बेक चीज केक भी बनाया जो मैंने आपको दिखाया नहीं है, वो मैं स्टोरी डालूंगी, वो भी बहुत अच्छा बना। सो कुकिंग इज अ लॉट ऑफ फन, मुझे कुकिंग करने में बहुत ज्यादा मजा आता है एंड इनफैक्ट इस साल ही मुझे मौका मिला कि मैं आप सबसे भी माई लव फॉर कुकिंग शेयर करूं। सो That's about it. I hope आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आज की जो रेसिपीज व्हाइट सॉस पास्ता रेसिपी आप लोग बहुत समय से पूछ रहे थे, तो मैंने आपके साथ आज वो शेयर की है। सो आई होप आपको वो अच्छी लगी हो। हालांकि इट्स नॉट अ रेसिपी, मैंने क्योंकि इतनी सारी चीजें प्रिपेयर करनी थी तो बीच बीच में जितना हो सके मैं आपको एक्सप्लेन करने की मैंने पूरी कोशिश की है। कोई क्वेश्चंस है तो आप प्लीज कमेंट्स में पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगी। एंड बस नए साल में सबने एंटर कर लिया है, सो हैव अ वेरी वेरी हैप्पी एंड पीसफुल 2021। साथ में मिलके खूब अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं और घर वालों को खिलाते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो गाइज, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड स्टे सेफ एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू ऑल अगेन। लव यू।